सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन मुरादाबाद की मासिक बैठक मुरादाबाद क्लब में डॉक्टर डीपी मनचंदा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक का संचालन जेएन अग्रवाल के द्वारा किया गया। बैठक की शुरुआत गायत्री मंत्र के पाठ से की गई। एमपी सिंह ने सिलाई केंद्रों की प्रगति से अवगत कराया। हाकिम राय ने कुछ धार्मिक बातें कही तो इस्कॉन प्रमुख साक्षी महाराज की कथा के बारे में सबको अवगत कराया गया। जेएन अग्रवाल ने जिलाधीश से हुए पत्राचार के से सदस्यों को अवगत कराया और वरिष्ठ नागरिकों और माता पिता के रखरखाव तथा कल्याण हेतु जो एक्ट 2014 से उत्तर प्रदेश में लागू है उसके बारे में भी वार्ता की गई। सब मेरा बेटा आया था बाहर से पत्नी को देखने के लिए, वो भी बुखार में पड़ गया तो ये नहीं आए। दूसरी बात हमारे डॉक्टर साहब मनचंदा साहब के मन में थी कि कोई सज्जन पॉल्यूशन पे बोले, तो हमने अपने बहुत ही सम्माननीय जिन्हें कि हम बिल्कुल ये मानते हैं कि जिस सभा का मुख्य विषय प्रदूषण था, मुख्य वक्ता डॉक्टर अर्जुन वीर वर्मा रहे। डॉक्टर अर्जुन वीर ने बहुत विस्तृत रूप में पर्यावरण और प्रदूषण की चर्चा की। उन्होंने अपनी बात शुरू करते हुए कहा कि अखबारों के अनुसार अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं। ये महीना डॉक्टर के लिए खाली हुआ करता था, लेकिन इस समय डॉक्टर बेहिसाब मरीजों से घिरे हुए हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए, सभी को प्रदूषण से लड़ना होगा। मेरा नाम एमपी सिंह यादव है और मैं यहाँ मतलब सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन का ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ यहाँ। और यहाँ हमारी मंथ के पहले संडे को मीटिंग हर बार होती है। यहाँ हमारे 150 मेंबर हैं और हमारा उनके मेंबर्स के सीनियर सिटीजन के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना होता है। स्वास्थ्य के प्रति उनको डॉक्टर को भी हम बुलाते हैं, उनको डॉक्टर से स्पीच कराते हैं और डॉक्टर ने भी हमारे सीनियर सिटीजन को हमारे कार्ड हैं, स्वास्थ्य के कार्ड हैं और हमारी मतलब पुलिस के भी वेरिफिकेशन कार्ड हैं हमारे पास, तो वो अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें फर्स्ट प्रायोरिटी देता है और VIP जैसा ट्रीटमेंट देता है। और हमारे हैं कल्चरल प्रोग्राम होते हैं अच्छे अच्छे, हम लोग बाहर भी घूमने जाते हैं, सब सीनियर सिटीजन को बाहर भी घुमाने भेजते हैं और हम यहाँ के गवर्नमेंट की योजनाओं से भी जुड़े होते हैं, जैसे स्वच्छ अभियान है सारे और जागरूकता अभियान है, स्कूलों में हम लोग जाते हैं, स्कूलों में हम लोग स्टूडेंट को और लड़कियों को जागरूक करते हैं, उनके साथ जो छेड़छाड़ की घटनाएँ होती हैं उनको जागरूक करते हैं, उनको उनकी सारी जिम्मेदारी और उनको क्या अधिकार है ये सारी चीज़ से जागरूक करके हम वहाँ भाषण देते हैं।